अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और तिल के लड्डू। दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। हमने यहाँ 800 ग्राम गाजर ली थी, उसको हमने ग्रेट कर लिया है और कढ़ाई में डाल के उसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। इसमें 4 टीस्पून हमने घी डाल दिया है और ये 1 कप हमने सफ़ेद तिल ली है, इस कप से हमने लिया है। इसको हमने भून के मिक्सी जार में डाल लिया है। इसको हम ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे और 1 कप से हमने ये शक्कर ली है और इस छोटे वाले कप से हमने सेमोलिना यानी कि रवा लिया है और ये छोटी इलायची है। अब ऐसे 1 कप से हम दूध लेंगे। सबसे पहले हम तिल को ग्राइंड कर लेंगे। इधर गाजर को सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं। ये हमने सेसमे सीड्स को दरदरा सा पीस लिया है, अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है। आइए अब हम खोल के देखते हैं। कैरेट हमारी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। वो अच्छी तरह से घी में भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध है, इसमें मलाई सहित है, वो हम डाल देंगे। और हमने शक्कर ली है 1 कप, इसको भी डाल देंगे और साथ में पकाएंगे। चला लेंगे। और इसको ढक के पकाएंगे। शुगर हमारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके सूजी डाल देंगे। सूजी हमने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो तिल हमने कूट के रखा है इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से चला लेंगे। मीठा आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और अब हम इसमें ये घी हमने देसी लिया है, इसको भी डाल देंगे। टू टीस्पून देसी घी इसमें चलाते जाएंगे। और ये हरी इलायची का पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। जब तक इसको पकाते रहेंगे जब तक ये लड्डू बनने वाला कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। बहुत ही सौंधा सा लड्डू बनता है ये, आप लोग बनाइएगा ज़रूर और हमको बताइएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है।
देखिए ये लड्डू बांधने के काबिल हो गया है। ये कढ़ाई छोड़ दीजिए, अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें इतना कि हाथ से छू पाए, फिर लड्डू बना के आपको दिखाते हैं। और ये हमारे कैरेट लड्डू रेडी हो गए हैं, ये देखिए। आप लोग भी बनाइए और हमको कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कैसे बनाया है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और लड्डू को हम तोड़ के भी दिखाते हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं, इतनी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है सफ़ेद तिल की, ये देखिए। अल्लाह हाफिज़।